नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्मों के पांच सबसे बड़े क्लैश के बारे में। जब भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार की फिल्में आपस में टकरा गई, किस स्टार की फिल्म ने बाजी मारी, किस स्टार की फिल्म ने ज्यादा कमाई किया था, ये सारी जानकारी आज के इस खास वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी उस वीडियो का पार्ट टू है। अगर आपने इस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो के पार्ट वन को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस लिस्ट में जो पहला क्लैश हुआ था वो हुआ था भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्मों के बीच। जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म का नाम था पटना से पाकिस्तान और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म का नाम था साथिया। मुसलमान और यह बतावे खातिर आ रहा मानो पटना से पाकिस्तान। जैसे मिसाइल के अपन निशाना होला, गोली के अपन रफ्तार होला, बम के अपन धमाका होला, वैसे ही हमरे को अलग स्टाइल बा। साथिया और पटना से पाकिस्तान ये दोनों ही फिल्में 6 मार्च साल 2015 को रिलीज हुई थी। साथिया फिल्म में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह नजर आई थी। वहीं पटना से पाकिस्तान फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी नजर आई थी। साथिया फिल्म को प्रवीण कुमार ने डायरेक्ट किया था। वहीं पटना से पाकिस्तान फिल्म को संतोष मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। दोनों ही फिल्में काफी शानदार थी, लेकिन पटना से पाकिस्तान ने कमाई के मामले में साथिया फिल्म को पछाड़ दिया था। साथिया फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6,20,00,000 की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वहीं दूसरी फिल्म पटना से पाकिस्तान ने बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यानी कमाई के मामले में जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म ने बाजी मारी थी। इस लिस्ट में जो दूसरा क्लैश है वो हुआ था भोजपुरी के 40 स्टार प्रदीप पांडे चिंतू और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्मों के बीच। जब जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म निरहुआ सतल रहे और प्रदीप पांडे चिंतू की फिल्म मोहब्बत एक ही दिन रिलीज हुई थी। तोरा बेटी के मोहब्बत के रंग में कौनो झंडूरा दिलेर लगाइल बा और ये दिलेर के मारे खातिर यूपी बिहार बंबई पंजाब झारखंड हिंदुस्तान के कोनो भी कोना में बुला ले, एनी टाइम आवे खातिर तैयार बा। शायद तोरा के पता नहीं है कि निरहुआ खाली सतल डटल भी रहेगा। मोहब्बत और निरहुआ सतल रहे इन दोनों ही फिल्मों को 31 मार्च साल 2017 में रिलीज किया गया था। निरहुआ सतल रहे इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ के साथ नजर आई थी आम्रपाली दुबे। वहीं मोहब्बत फिल्म में 40 स्टार प्रदीप पांडे चिंतू के साथ काजल यादव नजर आई थी। मोहब्बत फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया था। वहीं निरहुआ सतल रहे इस फिल्म को मोहसिन खान ने डायरेक्ट किया था। दोनों ही फिल्में काफी शानदार थी। मोहब्बत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4,97,00,000 की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वहीं निरहुआ सतल रहे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 8,59,00,000 की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। यानी प्रदीप पांडे चिंतू की फिल्म को जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म ने पछाड़ दिया था और जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म ने बाजी मारी थी। इस लिस्ट का जो तीसरा क्लैश है वो हुआ था भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के 40 स्टार प्रदीप पांडे चिंतू की फिल्मों के बीच। जब प्रदीप पांडे चिंतू की फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म बलमजी लव यू एक ही साथ रिलीज हुई थी। प्यार करे खाती जांग के मोटा भाई और सीना के चौड़ा भाई जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए। मिट्टी में मिला दूंगा उन गद्दारों को जो घर में घुसकर घात करे और गर्दन काट लूंगा उन कुत्तों की जो राष्ट्रद्रोह की बात करे। बलमजी लव यू और दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू इन दोनों ही फिल्मों को 16 अक्टूबर साल 2018 को यानी दुर्गा पूजा के खास मौके पर रिलीज किया गया था। बलमजी लव यू इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी नजर आई थी। वहीं गेस्ट अपीयरेंस में अक्षरा सिंह, सुभी शर्मा और स्मृति सिन्हा नजर आई थी। इसके अलावा दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंतू के साथ हिंदी की एक नई अदाकारा सुरभि शुक्ला और प्रियंका पंडित नजर आई थी। वहीं गेस्ट अपीयरेंस में मोनालिसा और सुभी शर्मा नजर आई थी। ये दोनों ही फिल्में काफी शानदार फिल्म थी। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू को डायरेक्ट किया था प्रदीप पांडे चिंतू के पिता राजकुमार आर पांडे ने। वहीं बलमजी लव यू इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रेमांशु सिंह ने। बलमजी लव यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9,60,00,000 की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। वहीं दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट टू फिल्म ने 13,68,00,000 की कमाई किया था और ये
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। यानी प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म ने खेसारी लाल यादव की फिल्म को हरा दिया था और प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म ने बाजी मारी थी। इस लिस्ट में जो चौथा क्लैश हुआ था वो हुआ था भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्मों के बीच। पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म का नाम था क्रेक फाइटर और जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म का नाम था शेरे हिंदुस्तान। बस इतना जान ले कि मैं तेरे लिए यमराज हूँ, और कितना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चल के आया है। इसके पीछे जो लोग भी हैं उनको उनके घर में घुस के उनकी ही जमीन में घर नहीं दिया तो मैं अपने हिंदुस्तान का बेटा नहीं। क्रेक फाइटर और शेरे हिंदुस्तान ये दोनों की दोनों फिल्में 21 मार्च 2019 को यानी होली के खास मौके पर रिलीज हुई थी। क्रेक फाइटर और शेरे हिंदुस्तान दोनों की दोनों फिल्में एक्शन फिल्में थी और उस समय की काफी महंगे बजट वाली फिल्में थी। क्रेक फाइटर फिल्म को सुजीत कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया था और क्रेक फाइटर फिल्म में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ सचिता बनर्जी और निधि झा नजर आई थी। वहीं शेरे हिंदुस्तान इस फिल्म को मनोज नारायण ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ के साथ नेपाली एक्ट्रेस नीता दुगुनिया नजर आई थी। शेरे हिंदुस्तान इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 95 लाख की कमाई किया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। और क्रेक फाइटर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 13 करोड़ 10 लाख की कमाई किया था और ये फिल्म भी सुपरहिट रही थी, लेकिन कमाई के मामले में पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म ने बाजी मारी थी। इस लिस्ट का जो पांचवा क्लैश है वो हुआ था भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की फिल्मों के बीच। पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म का नाम था पवन पुत्र, वहीं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म का नाम था मेहंदी लाके रखना पार्ट 3। अपने आप स्टार समझता है क्या? स्टार ना, पावर स्टार। पवन पुत्र और मेहंदी लाके रखना 3 ये दोनों ही फिल्में एक ही दिन 10 मार्च साल 2020 को होली के खास मौके पर रिलीज हुई थी। पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र में पवन सिंह के अपोजिट नजर आई थी प्रियंका रेवड़ी और प्रियंका पंडित। वहीं मेहंदी लाके रखना 3 फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ नजर आई थी शहर आपसा। इसके अलावा आम्रपाली दुबे का इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस रखा गया था। मेहंदी लाके रखना 3 को डायरेक्ट किया था रजनीश मिश्रा ने, वहीं पवन पुत्र फिल्म को डायरेक्ट किया था फिरोज खान ने। दोनों ही फिल्में काफी शानदार फिल्म थी। मेहंदी लाके रखना 3 एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म थी। वहीं पवन पुत्र फिल्म एक्शन फिल्म थी जिसमें पवन सिंह का डबल रोल रखा गया था। पवन पुत्र फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 35 लाख की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। वहीं मेहंदी लाके रखना 3 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.5 करोड़ की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। यानी कमाई के मामले में पवन पुत्र फिल्म को मेहंदी रखना 3 फिल्म ने हरा दिया था और कमाई के मामले में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म ने बाजी मारी। तो दोस्तों ये था भोजपुरी फिल्मों का 5 सबसे बड़ा क्लैश। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है तो बहुत जल्द हम इस वीडियो का पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।